अरे तुम अपना माइक म्यूट हेलो। करो। टू न्यू कस्टम, कैसे हो आप लोग सर? आज हमारे साथ कमेंट्री के लिए कौन है? गेस करो, गेस करो, गेस करो। नहीं गेस कर सकते आप लोग, क्योंकि ये है हमारे बेवफा सनम, मिस्टर आउटरेज बैब। कभी जीजा जी, हाँ, इनके इनके कभी बहुत से नाम जवाई। है। और ये तो हाँ, बेवफा सनम, मैं 100 के नोट पे लिखूंगा मेरा नाम। इनके बहुत से सोनम नाम है, गुप्ता। इनका जीजा जी नाम है, इनका बेवफा। ठीक है, तो आप इनको जो आपको पसंद आए वो नाम से आप बुला सकते हैं। आज के और कस्टम में वैभव भाई अच्छे कैसे काउंट हो? ऑफ नंबर प्लेयर्स आते हुए, रोज ऐसा आए तो बंदे बढ़ते भी है रोज के, अरे तो मजा भी आया कस्टम में। जितने ज्यादा प्लेयर्स उतनी फाइट देखने में मजा आता है। आवाज आ रही है योगेश भाई? हेलो। योगेश भाई आवाज गई आपकी। हेलो। मेरा माइक बंद हो गया। हेलो। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज का आ रही है वैभव भाई आवाज? अब आ रही है। भाई बीच में अच्छा कहीं अच्छा ग्लिच हो गया था मेरा हाँ हाँ शायद। मेरा शायद जो गया था वही मैं सॉर्ट आउट करने के लिए गया था। वो मुझे पूछिंग कि मैं कितने, 1 2 3 4 स्क्वाड फिर से दिख रहे हैं यार। आपकी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज नहीं भी आ रही रहे ना, तुम कंटिन्यू रखना। ठीक है ठीक है। हाँ, कोचिंग की में तो है इसी एक में दो चार तीन स्क्वाड स्कॉट, है, 4 है, 1 2 नंबर, 3 6 नंबर, 5 नंबर और पांच चार नंबर। नंबर हाँ हाँ ईगल मुस्कान की टीम दिख रही है मुझे। चिराग वी, चिराग अरे प्रतीक एकदम ऊपर से मान, आ रहे हैं, अगर स्पॉट हो गए तो बेस्ट। सबसे पहले मरने वाला बंदा कौन? मैं अपना माइक का प्रतीक इश्यू हो गया था मान, तो मैं देख नहीं पाया। प्रतीक प्रतीक मानकर मानकर खत्म हुए क्या? जी, टीम नंबर 2 के प्रतीक मानकर। उनके ये डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे शायद, तो इनके टीम के सिर्फ चिराग बचे हैं अभी, अच्छा, जिनके ऊपर शायद। ईगल मुस्कान ने किसी को पिक किया, यूज एटॉम को वो फिनिश भी करेंगे। हाँ ओ गॉड। पुचिंकी में लड़कियों का वो जादू रहता है वैसे वैभव भाई, हमने देखा है हमारे हाँ कस्टम में। चिंकी उतरती है वो पूरी चिंकी चिंकी कर देती है। चिंकी का ही कहर रहता है पोचिंग की में। क्यों टीम नंबर 2 यहाँ पूरी तरीके से एलिमिनेट होते हुए। पोचिंग की में एक चीज है, पर पता है बंदों ने ये नया स्ट्रेटेजी बना ली है कि बस रूफ टू रूफ खेल, और काफी मतलब परेशान करते आगे वाली टीम को। टीम नंबर 5 के ऑटम मैम, करेक्ट करेक्ट, ऑटम मैम TRX नायू, क्या तो नाम है यार, नाम पढ़ने में भी इतनी दिक्कत हो रही।
कंटिन्यू रखना आप। नंबर फाइव और टीम नंबर सिक्स का काफी अच्छा मैच, फाइव पूरी तरीके से खत्म, क्या नाम है इसका, केलू राग। हेलो हेलो हेलो, वही आवाज आ रही आ रही आ रही। हाँ, पता नहीं मेरा वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इससे दिक्कत हो रही है मुझे। ईगल मुस्कान का बहुत ही अच्छा डीपी का स्प्रे, खिड़की से उतरने तक नहीं दिया। ओह माय गॉड, हवा में लटक रहा है वो क्रेट अगर आकाश शेट्टी को आप स्पेक्सेट कर सकते हो तो दिखेगा आपको। आकाश 80, ये मुस्कान जा रही है अभी वो क्रेट लूटना। काफी अच्छा स्प्रे था मुस्कान का डीपी का। और यास्नाय में भी दो काफी स्क्वाड, दो स्क्वाड दिख रहे हैं। रुजुक में भी दो स्क्वाड दिख रहे हैं, दो तीन स्क्वाड यास्नाय दिख रहा है। यास्नाय टीम नंबर 10 का एक प्लेयर जो है वो माफिया विशान है शायद, अलग अपने स्क्वाड से काफी दूर है वो, अलग टीम नंबर 11 के काफी करीब। फोबिया विशान ने किसी को नॉक किया है, फोबिया विशान ये शायद शानू की टीम है सर, रेड ऑल जी जी हाँ। टीम नंबर 13 है वो। आज शानू नहीं खेल रहे शायद टीम के साथ, अमन जादव सर रेड ऑल कुछ एंड आकाश जादव दिख रहे हैं मुझे। टीम नंबर 13 ये सर अमन जादव की टीम दिख रही है। करेक्ट, इनके पास हीलिंग्स भी प्रॉपरली नहीं है सर, एडोल्फ भी अब नॉक हो गए हैं और अमन जाधव भी। टीम नंबर 13 पूरी तरीके से एलिमिनेट का और खेल खत्म। शानदार चार किल ले लिए वो अपना फोबिया विशाल एंड माफिया विशाल की टीम ने। आरक्यूएस के 3 किल, शॉ का 1 किल, एंड यहाँ पे ब्लू कोबरा मुझे अकेले खेलते हुए दिख रहे हैं यार, सोलो वर्सेस स्क्वाड यास्नाय में, वो भी दो स्क्वाडों के बीच है ये एकदम। टीम नंबर 11 डार्क भूत एनजीडब्ल्यू ग्रोट एंड स्लेयर ए ईयर स्लाइयर क्या स्लाइयर सॉरी आवाज आपको बहुत कट कट आ रहा है। रोजॉक में शायद टीम नंबर 12 और टीम नंबर 11 नहीं, टीम नंबर 12 और टीम नंबर 19 है शायद। तीन टीम है यहाँ पे, 19, 17 एंड 12। हाइड्रा यश ने किसी को पिक किया है, वाइट कोबरा है टीम नंबर 12 पे नॉक है यहाँ पे। ओके, वाइट कोब शायद से जैसे टीम नंबर 4 भी शायद पुश कर रहे हो, नहीं टीम नंबर 4 को पता ही नहीं है कि वहां बंदे थे। करेक्ट, जंगली कोबरा यहां पे टीपीपी लेते हुए पूरा हिल कैप्चर किया हुआ उन्होंने रुजुक का। ओ नहीं, टीम नंबर 4 ने शायद बंदे स्पॉट कर लिए ये जंगली कोबरा की टीम और पुश कर रहे धीरे धीरे स्मोक करते हुए। आकाश 80, ईगल मुस्कान एसजी फाइट है। ईगल से
नंबर 11 के आसपास ही है काफी इनका एक मैच ये फाइट स्टेशन ईगल मुस्कान का एक नंबर काफी अच्छा भूत बचे और डार्क भूत ने ईगल मुस्कान को नॉक कर दिया यहाँ पे आकाश आकाश 80 बचे हैं अगर ये रश कर देता है तो हाँ क्योंकि ये जो टीम नंबर 11 के है ग्रूट अगर इन्होंने बता दिया कि इनके बंदे नॉक है और वो सिर्फ अच्छा इनको भी खत्म कर दिया है और डार्क भूत ने एयरपॉन को खत्म कर दिया यहाँ पे स्लेयर को रिवाइव मिल चुका है डिले इन लोग के लिए थोड़ा अब क्या लगता है सर वहां पे कोबरा गैंग को भी एक बेनिफिट दे दिया डार्क भूत एंड स्लाई टीम ने कि उनके टीम को भी वो लोग रिवाइवल दे पाए इसका फायदा उठा पाते हैं कोबरा स्क्वाड या नहीं रेड कोबरा स्पॉट करके इनको खत्म कर दिया रेड कोबरा को स्लेयर ने एक वाह काफी अच्छा स्प्रे स्लेयर का एकेएम से टीम नंबर कौन सी थी ये मुस्कान की टीम ईगल मुस्कान की टीम नंबर 4 आकाश रेड्डी के जी पूरा टीम यहां पे वाइप करता मुझे मुझे अभी थोड़े देर में ईगल मुस्कान को स्पेक्टेट कर रहा था वैभव भाई मुझे थोड़ी सी गड़बड़ नॉक होने के बाद उनकी स्पीड अचानक से बढ़ गई जी 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 ईगल मुस्कान के इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट आया है कि उनके तो स्क्वाड के 7 किल थे जिसमें से 5 किल उनके अपने खुद के खाते में देखकर बताएंगे हमें कि उनके साथ क्या हुआ क्या हुआ अगर वो सच में अगर गड़बड़ थी तो स्लायर एंड डार्क भूत ने बहुत ही अच्छी फाइट ली उन लोग के साथ बिल्कुल बिल्कुल और स्लेयर का और जो एकेएम का स्प्रे था वो काफी आउटरेज खुश ने भी नॉक किया है किसी को आउटरेज का स्क्वाड कौन से नंबर आउटरेज को तो क्यों नहीं रहे 14 नंबर था ना ये तो काफी एलिमिनेट हो गए हैं एलिमिनेट हो चुके एलिमिनेट हो गए जी ब्लू कोबरा को उनके टीम काफी स्प्लिट है और ये नॉक हो गए हैं टीम ने 3 के किसने नॉक किया था आज अलग टीम में खेलते हैं सर एसएसडी आर्यमान शानू नॉक होते हुए यहाँ पे हिट हंटर एसएसडी के द्वारा ओ आर्यमान रिवाइवल आर्यमान रायपुर से आर्यमान बिलोंग करते हैं हंटर एसएसडी ऑन के साथ ये तबाही को दिया पर पूरी तबाही नहीं मचा पाए गबरू ने भी किसी को पॉट कर लिया है वो पिक करके शॉट ले रहे हैं मगर शायद बाइक थी बेस्टेड किलर को टीम नंबर 3 को अब फॉल बैक कर रहे शायद गाड़ी के पास जा रहे गाड़ी लेने वैभव भाई और ये आर्यमान और हंटर एसएसडी यहां से अब फॉल बैक नहीं कर सकते फाइट फोर्सफुली लेनी ही पड़ेगी और अगर वो जितना डैमेज दे पाए आगे वाली टीम को उतना अच्छा है मैं गबरू की बात कर रहा था गबरू नहीं मैं ये पर इनके ऊपर टीम नंबर 7 का पुश होते हुए गबरू अपनी टीम से अलग ही चले गए उनके तीनों टीममेट्स अलग है हाँ अच्छा खासा फॉल बैक कर लिया उन्होंने यहाँ पे आर्यमान सर उमर उनके टीम के बच्चे हैं ये अभी भी ओह ये तो शायद डिस्कनेक्टेड है
लिए काफी दूर दिख रहे हैं ये अपने टीम से करेक्ट मिलिट्री में। माफिया वन मैन जीशान स्टैंडिंग ने नॉक किया है यहाँ पर चौधरी मान को और फिनिश भी करेंगे जंगली कोबरा की टीम को और रेड कोबरा सभी को। ये थोड़ा सा डिले हो गया हमें फाइट दिखाने में, हमको यहाँ पे पता नहीं चला कि फिर काफी अच्छा गेम माफिया विशान की टीम का। फौजी डार ने आजकल डार नॉक हो। आज के प्लेयर नंबर ऑफ काउंट जो था प्लेयर्स का वो भी काफी अच्छा था और काफी पास पास उतरने की वजह से बहुत सारी फाइट यहाँ पे मिस कर रहे हैं हम करेक्ट यहाँ पे रॉयल आशीष फौजी डार ये सब नॉक हो गए हुए पड़े हुए हैं और हाइड्रा यश रिवाइवल देते हुए अपने टीममेट को और सही रॉयल आशीष यमराज विक्की भी नॉक पड़े हैं। रुक अजली बचे हैं यहाँ पे रॉयल और आशीष को खत्म कर दिया यहाँ मुझे पे। मुश्किल ही लग रहा है, यमराज विक्की भी मुझे नहीं लग रहा है कि बच पाएंगे। शायद अगर वो तो जा रहे स्पॉट हैं मगर वो हाइड्रा यश अगर उन्हें स्पॉट कर लेंगे तो उन्हें रोड क्रॉस करने दे नहीं देंगे नहीं पाएंगे, पाए। कर हाँ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, एक रॉक स्मोक का रॉक जो वैसे यूज कर और अगर जल्दी लेकिन नहीं किया तो शायद यमराज हाइड्रा यश स्पॉट नहीं किया है अभी भी, वो सिर्फ कर रहे हैं मगर फौजी डार ने उनको स्पॉट। यमराज विक्की के पास ऑलमोस्ट खत्म थे वो तब पहुंचे हैं और ये फौजी डार एंड हाइड्रा यश नेड एंड यही होता है ना, का भी टीममेट के यूज लिए कर रहे रिस्क हैं उठा और के ये पहुंचो। ओ काफी अच्छा ओ एक नेड, नेड खत्म, काफी अच्छा नेड बहुत हाइड्रा शानदार, यश बहुत का। शानदार, ओ माय गॉड, दोनों बंदों को सेवन एक साथ किल्स होने हाइड्रा दो। यश के, अभी तक का शायद जितने भी प्लेयर्स थे इनमें सबसे ज्यादा किल्स इनके ही है, हाँ इन्हीं आफ्टर के हैं ईगल मुस्कान। करेक्ट, मगर ईगल मुस्कान को अगर कुछ डाउटफुल केस है तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखा देखेंगे फिर से एक बार उसके ऊपर, अब तो ये फॉर्म पे करना एक बार पड़ेगा। फिर से देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली तभी सारी की सारी टीमें थोड़ी दूर दूर है अभी तक, मुझे अब लग नहीं रहा है सातों टीमों में कोई फाइट अभी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 सातवीं टीम अभी भी ये मिस्टर उमर डिस्कनेक्ट है क्या? हाँ ये डिस्कनेक्ट है वैभव भाई, इनको अभी तक हमने मिस्टर देखा उमर नहीं था। ना, हाँ मिस्टर उमर तो डिस्कनेक्ट है, मैं वो कहा जब भी मिलिट्री बेस में अकेले डिस्कनेक्ट होकर भी वन मैन स्टैंड कर रहे हैं अभी भी करेक्ट अपनी टीम के। शायद मिस्टर ब्लू कोबरा भी खत्म हो चुके हैं, वो भी मुझे दिख नहीं रहे, इस वन मैन स्क्वाड खेल रहे थे वो भी खत्म हो गए। टीम नंबर 10 के सारे बंदे, टीम नंबर 16 के फुल स्क्वाड है अभी भी, देखते हैं। डार्क भूत अकेले बच्चे हैं, नहीं लायर भी टीम है उनके नंबर साथ। 16 ने काफी अच्छा पोजीशन होल्ड किया है यहाँ ब्रिज के बाजू में। टीम नंबर 16 को सपोर्ट कर रहा है मगर मुझे लग रहा है कि ब्रिज से हटकर अभी जो सर्कल टर्न लेने है ना, तो जो वेयर हाउस वाले जो घर होते हैं ना वैभव भाई, थोड़े से वेस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रलाइज थोड़ा सा ड्रॉप के थोड़ा और, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ हो सकता है, देखा है अभी सारी टीमें धीरे धीरे आ तो गई है, टीम नंबर 11 भी आ रही है अभी धीरे धीरे, शायद वो ड्रॉप के पास है कुछ। नहीं, निकल गए ये लोग भी कोचिंग की से, देखते हैं माफिया शायद टीम ईशान की नंबर टीम में भी नाइनटीन काफी, माफिया नाइन ईशान जी, आपका आवाज काफी कट रहा है योगेश भाई। अच्छा टीम नंबर 19 के काफी करीब से गुजरते हुए टीम नंबर 11। मैंने कहा माफिया ईशान की टीम में काफी किल्स ले लिए हैं आज। हाँ टीम नंबर 10 ना, हाँ अच्छा है, मतलब डिसेंट। आर्कस के 3 है, शॉ के 2 है और माफिया विशान का 1। ये उनका वो टीम नंबर 13 के साथ जो फाइट था वो भी काफी अच्छा हुआ था। शिनचैन ने किसी
सार्थक को पिक किया है, सार्थक नॉक पड़े और रिवाइवल मिल गए उन्हें। और ये पुश करते हुए दिख रहे हैं मुझे, दो बंदे गाड़ी में पुश कर रहे हैं उनसे, और डेटा अभी एंड डेविल केटी लेफ्ट से फ्लैंक कर रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों से उन लोगों को अभी दबा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गेम को कैसे निकालते हैं। और डेल्टा हजरत को भी नॉक कर दिया है, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे भी बंदे आ गए। बहुत ही अच्छा एक फ्लैंक पोजीशन था ये, बिल्कुल और सार्थक भी खत्म है। आप टीम नंबर 10 भी धीरे धीरे पुश करते हैं। टीम नंबर 10 ने शायद टीम नंबर 3 के जो अकेले बंदे हैं उनको स्पॉट कर लिया है। करेक्ट, अगर वो का सिचुएशन बनेगा यहाँ पे। बिल्कुल, और इसके बाद मुझे टीम नंबर 3 और 10, अच्छा टीम नंबर 10 भी वेस्टेड किलर के पास पहुंच गए हैं, पहुंच गई है। हाँ, उन्होंने सिंगल बंदा है एज इन ऐसा स्पॉट कर लिया है शायद उनको। पर गए थे मगर टीममेट का शॉक का बहुत ही शानदार कवर फायर मिला, कवर फायर तो बिल्कुल कोई भी कैजुअलिटी अभी यहाँ पे नहीं ऑपरेशन की टीम को। और एक किल और जोड़ते हुए अभी हमारे पास बची है 3 टीम, टीम नंबर 10, 16 और 19। कोई भी टीम जोन के अंदर नहीं है, सारी टीमों को जोन के अंदर प्रोसीड करना है। टीम नंबर 11 काफी दूर से कुछ उनका चल रहा है शायद, पता नहीं नहीं है, इनके पास दो दो ही बंदे बचे हुए हैं, बाकी टीम नंबर 16 के फुल स्क्वाड है। तो क्या कहना होगा, टीम नंबर 16 और 10, टीम नंबर 16 और 10 में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बोल नहीं सकते एंड टाइम पे, मतलब शायद किसको क्या, मतलब वही होता है ना आखिर में, जो बंदा का स्पॉटिंग लेवल है, स्प्रे है, और मतलब फाइट के टाइम पे जो पैनिक ना करते हुए आगे वाले टीम ये करते हैं। करेक्ट करेक्ट, उस टीम के, एकदम करेक्ट, उस टीम के खाते में जा सकता है शायद, बोल नहीं सकते। ये टू मेंस की जो टीम है ये बहुत इजी रोटेशन है इन लोग के लिए, इनके सामने कोई टीम नहीं है, जो कोई टीम नहीं जा रहे हैं। मेरे हिसाब से कंपाउंड इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अभी आने वाले पर्पल। और टीम नंबर 16 ने यहाँ पे टीम नंबर 11 को स्पॉट कर लिया है, डार्क भूत के ऊपर बहुत अच्छा स्प्रे आ रहा है डीपी का, 16 का शायद वो गबरू है, नहीं नहीं शिनचैन का स्प्रे है शायद। डेविल केटी के पास भी ऑन दिख रहा है, बहुत अच्छा स्प्रे शिनचैन का, 1 HP रह गया है डार्क भूत। अभी रोटेशन दे रहे नहीं इन लोग के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये लोग फॉल बैक करना ठीक है, फॉल बैक करना ही अच्छा, चेंज करके अच्छी एक पोजीशन ढूंढे वो लोग टीम के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ये पबजी गेम ही ऐसा है, सर्कल में जाकर अच्छी पोजीशन ले ली और थोड़ा पेशेंस दिखा दिया, गेम उसका हो सकता है। मैं वही कह रहा था कि 4 मैन स्क्वाड के आगे शायद ऐसा ना हो कि 2 मैन स्क्वाड चिकन डिनर ले जाए, बातों से 2 मैन स्क्वाड को, मगर अगर सब पेशेंस लेवल दिखाए तो चिकन डिनर इनका भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ओ माय गॉड, हाइड्रा यश ने शायद टीम नंबर 16 के बंदे को स्पॉट करके यहाँ पे शिनचैन को गाड़ी से कुचल दिया है। शिनचैन काफी अलग थे अपने टीम से। ओके, अब 3 मैन स्क्वाड हो गए, तो अभी 3 मैन स्क्वाड की एक टीम ऐसे जो पूरा 4 मैन स्क्वाड है, वो भी विशाल शॉ आर्कस। अगर कोई गलती ना हो तो चिकन डिनर अब ऑलमोस्ट 60-70% होने का है, बाकी फिर 20-30% आप गबरू की टीम को बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक और अपना प्लेयर कर दिया है, नॉक हो गए उनके। जोन के बाहर हैं और इनको अभी सर्कल में जाना है, मगर स्मोक का बहुत ही अच्छा ही कर रहे हैं वैसे।
बिल्कुल, बट अगर डब्लू ने विदाउट उसको स्मोक स्पॉट अगर कर जाते दिया तो है, ये, हाँ अगर डब्लू स्मोक ने उसको जाते तो ये स्पॉट कर खत्म दिया। हो जाते थे अगर इन्होंने अच्छा यूज किया। और गबरू ने भी एक अच्छा कवर पैड दिया, गबरू ने बहुत अच्छा स्प्रे दिया, मुश्किल 4x M4 के साथ 4x का स्प्रे, उस जोन की परवाह ना करते हुए। ओ माय गॉड खत्म, एक ही स्प्रे में दोनों खत्म। हाइड्रा यश और पॉजिटर दोनों को वो खत्म कर दिया। बट अब इन्होंने जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि जोन में माय गॉड मैं ये क्या देख रहा हूँ, टीम नंबर 10 भी जोन के बाहर आके फाइट लेना स्टार्ट कर दी। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी कि उन्होंने डैमेज बंदे को ही पकड़ना ज्यादा अच्छे। अब ये 2 वर्सेस चाहे कि हम 4 का डिसीजन पकड़ के उन्हें गबरू नॉक होते हुए, अरे गबरू को नॉक कर दिया है शॉ ने, बहुत ही शानदार किल से करना चाहेंगे गबरू। तब अपना डेल्टा डेल्टा तबाही बचे, अभी बचे डेल्टा, अभी डेल्टा अभी के ऊपर भी पुश, राइट से दो लेफ्ट से दो ऐसे आ रहे हैं। डेल्टा अभी का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है काफी अच्छा था, उन्होंने मॉली क्या नेड आया है, बहुत ही प्यारा नेड यहाँ पे निशान। मगर चार बंदे बहुत ज्यादा होते हैं जब आपके पास बिल्कुल, एक पत्थर हो कवर के लिए। मगर बहुत अच्छी फाइट की डेल्टा अभी ने, अब देखते हैं लेट्स सी डार्क भूत और स्लेयर स्लायर उनके ऊपर जोन है विशाल डिसीजन, विशाल की टीम थोड़ा इन मुश्किल में आते हुए लग रहे हैं लोग कि मतलब नहीं चाहिए एक भी बंदे को, अगर वो वेट करते हैं तो बाकी दो तीन बंदे स्पॉट करके किल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर एक ही छोटे शैक के अंदर दोनों टीममेट्स का रहना मुझे डिसीजन थोड़ा गलत लग रहा है। करेक्ट करेक्ट, मगर उनको एक ही एक कवर दिख पाया होगा इस वजह से उन्होंने शायद आर्कस आर्कस जी जी आर्कस ने बहुत अच्छा स्पॉटिंग दिखाते हुए एटेक्स मिनिकस टैप शॉट दे रहे हैं। डार्क भूत को इनका एक शॉट कनेक्ट हो सकता है, पर बंदे हो सकते हैं माफिया विशाल ने भी स्लायर कर दिया है नॉक, और अभी आराम से आर्क्यूस को रिवाइवल मिल जाएगा। तभी इनके पास है अगर टीम नंबर 10 का ही मुझे यहाँ पे लगता है तरफ से बहुत अच्छा स्लेयर का कवर फायर, बहुत अच्छा डैमेज दे रहे हैं आर्कस पीछे से। मेरे हिसाब से रिवाइवल नहीं बनता है फायर को, तो शायद अगर वो नॉक कर देते तो एक सकता है, मगर माफिया विशान का बहुत शानदार क्लच और ये 1v1 फाइट माफिया विशान ने जीती और चिकन डिनर भी अपने टीम 11 किल्स के साथ टीम का चिकन डिनर। हमेशा आओ, हमेशा ज्वाइन करो कस्टम, ठीक है तो मजा आता है काफी। कौन सी टीम जीती भाई? ठीक है तो मिलते हैं फिर से कल, अगर होता है तो आपको हम बता देंगे, अगर नहीं होता है तो अल्टरनेट डे के सोच हम लोग की अल्टरनेट डे हम लिया जाए कस्टम, ठीक है तो अगर बाय बाय गुड नाइट। नहीं हो गया, गुड नाइट।